नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन धाकड़ हमारे YouTube चैनल में जागो इंडिया के किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम आज ऐसे टेक्निकल के बारे में बात करेंगे जो इल्ली के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है और किसी भी प्रकार की इल्ली पर खतरनाक साबित होता है। हम आज ऐसे ही प्रोडक्ट लेकर आए हैं। हम डिस्कस करेंगे आज स्टीलो गोल्ड। स्टीलो गोल्ड हमारे पास 250 ml पैकिंग में है और हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या काम करता है, किस प्रकार का रहता है। देखा जाए तो स्टीलो गोल्ड की पैकिंग आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की स्टीलो गोल्ड की पैकिंग रहती है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो सोमनाथ क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम प्रोडक्ट है। और अगर इसकी बात करें हम तो इसमें टेक्निकल की बात करें तो इमामेक्टिन 1.9 रहता है। इल्ली के लिए, किसी भी इल्ली के लिए सबसे बेस्ट कारगर रहता है। अधिकांश हम फसल की बात करते हैं तो ये कोई सी भी फसल में जा सकता है। सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। देखा जाए तो सब्जियों में गोभी, बैंगन या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की सब्जी हो उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इल्ली पर लंबे समय तक कंट्रोल भी रखता है। देखा जाए तो ये मक्की, सोयाबीन या अन्य किसी फसल में भी यूज़ होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज की बात करते हैं। इसका डोज 100 ml प्रति बीघा होता है इमामेक्टिन 1.9 का। और जो हमारे पास सोमनाथ कंपनी का स्टीलो गोल्ड है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी प्रकार की इल्ली पर काम करता है और सब्जियों में और फूलों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं अब इसको आपको पैकिंग खोलकर बताना चाहूँगा कि इसका कलर कैसा होता है, कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो हम इसकी पैकिंग खोल रहे हैं। हमारे पास पैक है, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं खोल रहा हूँ। ये पूरी पैकिंग है, अभी आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की पैकिंग रहती है इसकी, स्टीलो गोल्ड की। अब हम इस पैकिंग को खोलते हैं, इसका कलर कैसा रहता है हम देखते हैं। तो इसके अंदर डबल पन्नी पैकिंग का जो रहता है, जीपर लगा रहता है, जीपर इस प्रकार रहता है। इसके बाद एक और पन्नी रहती है इस पर। इस पन्नी को हम खोलते हैं और देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी पैकिंग कर रखी है पन्नी के द्वारा है, फिर अंदर ढक अलग से जीपर लगा हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं इसको और हम खोलने के लिए इसको यूज़ करेंगे कुछ ऐसी चीज़ कि चाकू का यूज़ करेंगे। पैकिंग बहुत ही बढ़िया है स्टीलो गोल्ड की, आप देख पा रहे होंगे किसान साथियों, इसकी पैकिंग इतनी मजबूत है कि हम खोल भी नहीं पा रहे हैं। हमने इसको छेद किया है और ये आपको अब मैं ढक्कन में लेकर बताऊंगा कि किस प्रकार का होता है। 100 ml प्रति बीघा जाता है। ये एक लाल कलर का लिक्विड फॉर्म में होता है जो आप देख पा रहे होंगे किसान साथियों। ये इमामेक्टिन 1.9 होता है जो रेड कलर में होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये डोज और क्या कॉस्टली क्या रेट पड़ता है मार्केट में। तो हम इसके डोज की बात करें तो मैंने बता चुका हूँ कि 100 ml प्रति बीघा, यानी अगर आप एक बीघे में पंप लगाते हैं दो पंप तो 50 ml बीघा, या तीन पंप लगाते हैं तो 35 से 38 ml बीघा जाएगा। इमामेक्टिन 1.1 ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही हर इल्ली पर बहुत ही तरीके से काम करता है और यह कॉन्टैक्ट है, जो कि कॉन्टैक्ट में आएगा उसे इसी पत्ते पर गिरता है और इंसेक्ट इल्ली अगर उसको खाती है तो इल्ली ख़त्म हो जाती है। इसलिए लंबे समय तक ये अपने जहर को पौधों पर बरकरार रखता है। और जैसे हम स्टीलो गोल्ड सोमनाथ की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। देखा जाए तो ये हर किसी क्रॉप में चला जाता है और मैंने इसका रिजल्ट देखा है मक्का में। मक्का के अंदर इल्ली होती है किसान भाइयों, आप भी जानते हैं कि मक्का के अंदर की इल्ली मारना मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो मक्का के अंदर की इल्ली के लिए अंदर तक जाकर इल्ली को मारता है, सबसे बेस्ट रिजल्ट मक्का में मिलते हैं। और खाद्यान्न कोई सी भी फसल में आप डालते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% आता है इसका टेक्निकल। एक और बार आपको बताना चाहूँगा, इसकी पैकिंग स्टीलो गोल्ड की इस प्रकार आती है। सोमनाथ क्रॉप केयर कंपनी का है और इसका लिक्विड फॉर्म में रहता है और रेड कलर का इसका कलर रहता है दवाई का। तो किसान साथियों, आपको किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके ऊपर डिस्कस करके बताऊंगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना